अगर बबल लिक्विड में है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अगर बबल लिक्विड में है, इंपॉर्टेंट है, अभी बबल किस में था, एयर में था, बाहर भी एयर अंदर भी एयर, अब बबल लिक्विड में है, पानी में है, और आपसे पूछा एक्सेस प्रेशर निकालो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बबल पानी में है तो अंदर तो एयर है, तो अंदर की तो फ्री सरफेस है, बाहर की फ्री सरफेस खत्म हो गई क्योंकि वहां तो एयर रही नहीं, तो एक फ्री सरफेस है, तो रिजल्ट वापस से क्या हो जाएगा इसमें, 2T/R। जबकि बबल का रिजल्ट क्या होता है, 4T/R, 4σ/R। कब, जब बबल के बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, दो फ्री सरफेसेस हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में बबल पानी में है, लिक्विड में है, एक फ्री सरफेस है, तो रिजल्ट क्या यूज करेंगे, 2σ/R। याद रहेगा यहां तक। अब अगर बबल कहां पर है, h डिस्टेंस नीचे चला गया पानी के, और आपसे पूछा जाएगा बबल के अंदर का प्रेशर p इनसाइड बताओ क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ अगर बबल h डिस्टेंस नीचे है तो बबल का एक्सेस प्रेशर क्या है, 2σ/R तो होगा ही क्योंकि एक फ्री सरफेस है, साथ में पानी का प्रेशर भी ऐड हो जाएगा, कितना, h रो जी, ये तो है ही है। इसमें क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये h निग्लिजिबल है, इसमें ऐड इसलिए किया क्योंकि h काफी नीचे है बबल, तो बबल पे पानी का प्रेशर भी लग गया एट एक्सेस प्रेशर के साथ। अब एक्सेस प्रेशर होता क्या है, पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक, पी एटमोस्फेरिक राइट पे चला गया तो अंदर का प्रेशर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो बबल के अंदर का प्रेशर, बबल का प्रेशर बैलेंस कर रहा है एटमोस्फेयर को, बैलेंस कर रहा है सरफेस टेंशन के प्रेशर को, बैलेंस कर रहा है पानी के प्रेशर को भी, ये आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये मार्क करना है।